हेलो एवरीवन वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू सभी का स्वागत है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इस वीडियो में हम प्लेसेंटेशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे सो द हेडिंग इज प्लेसेंटेशन देखिए ओवरी के अंदर इन साइड बेसल पार्ट में क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिससे ओव्यूल्स का ओरिजिन होता है और इस क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं और ओवरी के अंदर का जो अरेंजमेंट होता है उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं यही प्लेसेंटेशन फाइव टाइप का होता है लाइक मार्जिनल एक्साइल पेराइटल फ्री सेंट्रल एंड बेसल वेरी फर्स्ट इज द मार्जिनल देखिए इस टाइप के अंदर प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सचर ऑफ ओवरी देखिए ये जो है ये एक पी है, मटर की फली है, इसके अंदर ये वेंट्रल सचर है ठीक है? है, है, सचर जॉइंट और यहां पर इस जॉइंट के ऊपर इस सचर के ऊपर प्लेसेंटा बनता है ठीक है ना और इस प्लेसेंटा पर यहां पर ये ओब्यूल्स बनते हैं तो ये सभी जो बने हुए ये सब ओब्यूल्स है द ओब्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज तो इस रिज के ऊपर इस पर्टिकुलर सचर के ऊपर यहाँ पर ये सब ओव्यूल्स बनते हैं ठीक है और ये बेसिकली टू रोज में लगे रहते हैं एग्जाम्पल आपके सामने पी आपके सामने ये जो इमेज है ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन का है जो पी पोड है और राइट नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन इन एक्साइल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द एक्सियल पोजिशन यहाँ पर प्लेसेंटा जो होता है वो एक्सियल मीन सेंट्रल एक्सिस पर से एराइज होते हैं द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन अ मल्टी लोक्युलर ओवरी देखिए यहाँ पर ये यह लोक्यूल्स बनते हैं लोक्यूल वो जगह है जहाँ पर आपको सीड मिलेगा जहाँ आपको ओव्यूल मिलेगा उसको लोक्यूल कहते हैं तो ये मल्टी लोक्युलर है ये भी लोक्यूल है ये भी लोक्यूल है ये भी लोक्यूल है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को मल्टी लोक्युलर कहते हैं दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एक्साइल एग्जाम्पल देखिए चाइना रोज टोमेटो एंड लेमन ये आपके सामने एक्साइल प्लेसेंटेशन का इमेज है नेक्स्ट देखिए पेराइटल इट मींस वॉल पर है ना भित्ती पर वॉल को बोलते पेराइटल तो यहां पर डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी ओवरी के अंदर की वॉल पर ये ओवरी के अंदर की वॉल है ऑलराइट राइट right? ये जो है ओवरी के अंदर की वॉल है यहाँ पर ये ओव्यूल्स एराइज होते हैं ओवरी इज वन चैम्बर देखो यहां पर सिर्फ वन चैम्बर ही है ठीक है ना यहाँ पर आपको एक ही चैम्बर मिलेगा तो ये जो है बेसिकली यहां पर ये वन चैम्बर होता है एक ही चैम्बर होता है मींस ये मल्टीलोक्यूलेट नहीं होता है ठीक है बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम समटाइम्स पेराइटल के अंदर फॉल्स सेप्टम बन जाते हैं ध्यान रखिएगा पेराइटल के अंदर फॉल्स सेप्टम बनने पर चैम्बर के नंबर जो है इंक्रीज हो जाते हैं एग्जाम्पल देखिए मस्टर्ड एंड आरजीमोन तो ये आपके सामने पेराइटल का इमेज है नेक्स्ट देखिए फ्री सेंट्रल ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेंट्रल एक्सिस सेप्टा आर एबसेंट देखिए ये सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स बने हैं। ये सभी ओव्यूल्स है बेसिकली ठीक है ना ये सभी ओव्यूल्स हैं ये भी ओव्यूल्स हैं सारे ये ओव्यूल्स हैं और इनका ओरिजिन सेंट्रल एक्सिस पे हुआ है और ये फ्री है यहाँ पर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है ठीक है ना एग्जाम्पल देखिए डायंथस एंड प्रिमरोज ये आपके सामने इमेज जो है ये फ्री सेंट्रल का इमेज है फिर देखिए बेसल तो बेसल के अंदर दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी ओवरी के बेस पर है तो बेसल हो गया और इस केस में सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है एग्जाम्पल देखिए सनफ्लावर एंड मैरी तो ये आपके सामने जो इमेज है ये बेसल का है थैंक्स फॉर वॉचिंग डे।